अब इन्होंने फिर क्या किया है ना, कुछ चेंजेस किए यहाँ पे। चेंजेस से पहले आप एक और देखें, सिक्सटीन जो है रूट पोर्ट है, 17 ऑल्टरनेट है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट इंटरफेस की चेंज की। 17 जो कि ऑल्टरनेट पोर्ट था, ब्लॉकिंग स्टेट में था, 17 इंटरफेस पे गए, इंटरफेस FA017 स्पैनिंग ट्री VLAN 3, मतलब VLAN 3 में हम चेंज कर रहे हैं। कॉस्ट 19 थी, 17 की कॉस्ट कम करके कर दी 2। तो इसकी कॉस्ट अगर कम हो जाती है तो 16 की कॉस्ट है 19, राइट। तो ये इंटरफेस क्या हो जाएगा, ये रूट पोर्ट बन जाएगा। तो VLAN 3 न्यू रूट पोर्ट FA017 cost 2। अब ये इंटरफेस यहाँ पे देखो आप, ये ब्लॉकिंग में था, ये पहले लिसनिंग में गया, 16 फॉरवर्डिंग में था, ये ब्लॉकिंग में चला गया, तो ये लिसनिंग में गया, देन लर्निंग में गया, देन फॉरवर्डिंग में गया। और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा टोटल, 30 सेकेंड्स का। लिसनिंग में जैसे आप देखो यहाँ पे, लिसनिंग में ये यहाँ पे था 39 पे, है ना, और जब ये यहाँ पे गया लर्निंग में तो 54, तो 15 सेकेंड्स का इंटरवल है। देन लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाने, 54 से 09, 45, 54 से 46, 09, अगेन 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स के लिए वो लिसनिंग में रहा, 15 सेकेंड्स के लिए लर्निंग में रहा, राइट। तो इस तरीके से इंटरफेस की कॉस्ट अगर हम मैनिपुलेट करें तो हम ये चेंज कर सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस आपका रूट पोर्ट बनेगा या डिजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, राइट। सेकेंड फिर आपका ये फिर वही रहा, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 3। तो रूट अभी भी वही है, लेकिन आपका रूट पोर्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, पहले 16 था अब ये 17 हो गया, राइट। और यहाँ पे ये कॉस्ट है इसकी, 17 की जो कॉस्ट है वो 2 हो गई। देन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्विच 1 है, ये रूट स्विच नहीं था, नॉन रूट था, इसको अगर हम रूट बनाना चाह रहे हैं तो इस पर स्पैनिंग ट्री VLAN 3 रूट प्राइमरी, ये कमांड हमने जैसे ही चलाई अपनी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कम कर लेगा, है ना। कितनी कम करेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसने प्रायोरिटी अपनी कम करके कर दी 2 4 5 7 9, हाँ इसमें +3 एडेड है, बोले एक्चुअली में इतना है 2 4 5 7 6 प्रायोरिटी और +VLAN 3, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रायोरिटी कम हो गई, तो ये रूट बन जाएगा। और ये रूट बनेगा तो इसके इंटरफेस सारे फॉरवर्डिंग में होने चाहिए। तो इसका एक ही इंटरफेस ब्लॉकिंग में है 16, जो कि ऑल्टरनेट कोड है, तो ये भी लिसनिंग लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। तो दोनों फॉरवर्डिंग में आ जाएंगे सर? हाँ, उसका ब्लॉकिंग में जाएगा। पहले क्या था ना यहाँ पे, ये था रूट, ये रूट था तो इसके सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग में थे। हाँ। ये नॉन रूट था, इसके इन दोनों पोर्ट्स में से ये बना रूट पोर्ट, ये ब्लॉकिंग में चला गया। फिर हमने 17 की कॉस्ट कम करी तो 16 ब्लॉकिंग में चला गया। अब हमने स्विच 1 को रूट बना दिया तो इसके तीनों इंटरफेस जो थे ये चले गए फॉरवर्डिंग में, ये नॉन रूट बना, इसके 16 और 17 में से 16 रूट पोर्ट बन जाएगा और ये ब्लॉकिंग में चला जाएगा 17। ये इसका इफेक्ट जब ये कमांड चलाते हैं, स्पैनिंग ट्री VLAN VLAN ID रूट प्राइमरी, तो हम कह रहे हैं कि स्विच अपनी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कम कर लेता है ना, लेकिन कितनी कम करता है। तो इसमें ये दो पॉइंट है, इसमें 2 4 5 7 6 इफ़ द करेंट रूट हैज़ ए बेस प्रायोरिटी हायर देन 2 4 5 7 6, मतलब हमारा जो करंट रूट स्विच है अगर उसकी प्रायोरिटी 2 4 5 7 6 से ज़्यादा है, है ना, तो हमारा करंट स्विच जिस पे आप ये रन कर रहा हो कमांड, तो अपनी प्रायोरिटी 2 4 5 7 6 कर लेगा। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में जो रूट स्विच था उसकी प्रायोरिटी थी 3 2 7 6 8, है ना, जो कि इससे ज़्यादा थी 2 4 5 7 6 से, तो हमारे स्विच ने अपनी प्रायोरिटी घटा के 2 4 5 7 6 कर ली। लेकिन अगर रूट स्विच की प्रायोरिटी 2 4 5 7 6 है, मतलब इक्वल टू 2 4 5 7 6 है, इससे कम है, तो जिस स्विच पे आपकी कमांड रन कराओगे प्राइमरी वाली, तो अपनी प्रायोरिटी उस वैल्यू में से 4096 माइनस करके सेट कर लेगा, है ना। तो ये दो चीज़ें, अगर आप सेकेंडरी कमांड चलाते हो तो उस केस में अपनी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली 28672 कर लेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट रूट की प्रायोरिटी कितनी है, मतलब ये इसमें क्या हो सकता है ना, कई बार की जो करंट रूट की प्रायोरिटी है हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा 4096 ज़्यादा है। हाँ इतना ही, मतलब इस केस में हम ये मानते हैं कि हम दोनों कमांड्स रन करेंगे। मतलब आपने जैसे पहले पे चला, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था, आपने पहले पे चलाई तो उसने अपनी प्रायोरिटी 2 4 5 7 6 कर ली, ये प्राइमरी बन गया। सेकेंडरी बनाना था, उस पर कमांड चलाई तो उसने 2 8 6 7 2 कर ली, बाकी सब पे वही रहेगी 3 2 7 6 8, तो ये बन जाएगा हमारा रूट,
है ना, और ये सेकेंडरी हो जाएगा इनकेस अगर ये डाउन होता है तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू बाकी सबसे कम है ही। बाकी ये इंटरफेस की स्पैनिंग ट्री बोर्ड फास्ट चला सकते हैं या स्पैनिंग ट्री बी पी डू गाड़ी इनेबल चला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर इसमें ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन है। ईथर चैनल में हमने बताया कि हम इंटरफेसेस को ग्रुप करके एज ए सिंगल इंटरफेस ट्रीट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कि इंटरफेस 16 पे गए, चैनल ग्रुप 1 मतलब हम जो बना रहे हैं ईथर चैनल उसका नंबर हमने दिया 1 एंड मोड ऑन है ना, मतलब तैयार है उसके लिए चैनल ग्रुप के लिए। 17 पे गए चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, मतलब हमारा अभी हम इस पे हैं स्विच 1 पे। तो स्विच 1 पे क्या होगा इसका इंटरफेस 16 और 17 ये दोनों मिलके एज ए सिंगल चैनल ग्रुप या इधर चैनल काम करने लगेंगे। और इसका जब आप कमांड चला इन्होंने शो स्पैनिंग ट्री VLAN 3, तो अब इस केस में यहाँ पे ये जो पोर्ट दिखा रहा है अभी पोर्ट वैसे नहीं दिखा रहा, 72 दिखा रहा है, और यहाँ पर आप देखो तो पोर्ट चैनल 1 और इंटरफेसेस आप देखो तो ये दिखा रहा है कि जो पोर्ट रूट पोर्ट है वो PO1 है ना, PO1 ये पोर्ट चैनल 1। लास्ट फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि आप मोड कैसे चेंज करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको राउटर पे जो रन कर रहा है वर्जन वो है PVST या PVST प्लस, RSTP या MIST यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो स्पैनिंग ट्री मोड, और ये तीन है MST, PVST या रैपिड PVST, ये की वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। MST मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ स्पैनिंग ट्री पर VLAN स्पैनिंग ट्री एंड रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री। तो इतनी चीज़ है तो आप देख सकते हो करके हम लोग इस हर इस वाले सीनेरियो में क्या है, ये तीन स्विचेस हैं राइट, और पहले इसको देखते हैं कि कौन सा स्विच है जो रूट स्विच बना है हमारा। तो ओके इसी स्विच से शुरू करते हैं, फर्स्ट स्विच हमारा जो है VLANs हमने बनाई नहीं है इनके, तो बाई डिफ़ॉल्ट VLAN बनी है शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 वो दिखा रहा है प्रायोरिटी 3 2 7 6 9 रूट की, ये उसका मैक एड्रेस है ना, और ये मैक एड्रेस ये जो है और ये जो है दोनों सेम है ना, यहाँ दे भी रहा है दिस ब्रिज इज द रूट है ना, तो ये हमारा रूट स्विच है राइट। और स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE का मतलब PVST यूज़ कर रहे हैं राइट। इसके सारे इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड है, हमारा जो रूट स्विच होता है उसके सारे इंटरफेसेस डेजिग्नेटेड पोर्ट्स में होते हैं। IEEE का तो MST था ना, PVST तो सिस्को नहीं, सिस्को में दिखाता IEEE है PVST को ना, IEEE दिखाता है राइट। तो इसके सारे इंटरफेसेस जो है वो डेजिग्नेटेड है राइट, और ये हमारा रूट स्विच है। इसके बाद हम फिर इधर देखते हैं सेकेंड स्विच पे, यहाँ पे तो इस पे ये FA02 कह रहा है कि ये जो है ये रूट पोर्ट है ना, और दो अल्टरनेट पोर्ट्स आपको दिखा रहा है 5 और 6 है ना, 2 इज रूट पोर्ट एंड 5 और 6 इज अल्टरनेट, 2 ये ऊपर वाला है ना। एक्चुअली वो कह रहा है इसको दोनों इंटरफेसेस पे सेम कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे राइट, तो जो इंटरफेस नंबर लोअर था 2 ये रूट पोर्ट बन गया, ये बन गया अल्टरनेट, प्लस BPDU किस डायरेक्शन से आ रहे हैं एक ये भी है ना, इधर से BPDU यहाँ आ रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा मिल रही है तो ये इंटरफेस जो ये अल्टरनेट बन गया राइट। तो 6 को भी अल्टरनेट किया, हाँ इसी वजह से इसमें जो है 6 भी अल्टरनेट है और 5 भी अल्टरनेट दो हो सकते हैं, हाँ दोनों अल्टरनेट है और प्लस 3 जो है वो डेजिग्नेटेड है 1, 3 एंड 4 भी है 1 जिसे आपने PC कनेक्ट किया था राइट, और 3 ये इंटरफेस है यहाँ पे डेजिग्नेटेड राइट, और 4 ये इधर वाला डेजिग्नेटेड, क्योंकि इन दोनों में से एक बनेगा ना डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो ये 4 नंबर छोटा था तो ये बना डेजिग्नेटेड राइट। अब यहाँ पे ये क्यों बना डेजिग्नेटेड, तो यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन था, यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है वो भी 19 है, इसकी कॉस्ट 19 है, तो यहाँ पे जो डिसीजन होना था ब्रिज आईडी से, इसकी ब्रिज आईडी लोअर रही होगी है ना, तभी हमारा स्विच जो है ये बना है
यहाँ पे।